हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना चैप्टर नंबर 10 जैव रसायन चल रहा था, जिसमें आज टॉपिक अपन पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? फंक ने दिया था। दिया था बेटा, फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द सबसे पहले प्रस्तुत किया। ग्रीक भाषा में विटामिन शब्द का जो अर्थ है विटल प्लस एमी, क्या अर्थ है इसका? विटल प्लस एमीन, विटल प्लस एमीन, इसका मतलब होता है जीवित कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले एमीन यौगिक, पाए जाने वाले एमीन यौगिक। किसने दिया नाम? पंक ने। इसका नाम क्या हुआ पूरा? वेटल एमीन। इसका मतलब क्या हुआ? जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले एमीन यौगिक। दूसरे संदर्भ में अगर इसको अपन समझाएं तो अपन ने अब तक प्रोटीन पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, वसा पढ़ लिए। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के अतिरिक्त पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं की वृद्धि, मरम्मत को, विकास के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। क्या कहा मैंने आपको? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के अतिरिक्त पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं के वृद्धि, विकास, मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। और विटामिन जैविक क्रियाओं में भी भाग लेते हैं, परंतु बहुत कम मात्रा में, और इनकी कमी से क्या हो जाते हैं? विशिष्ट रोग हो जाते हैं, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, समझाएंगे आपको आगे। इनकी कमी हो जाने से, शरीर में इनकी कमी हो जाने से विशिष्ट रोग हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। बात क्लियर होगी? किसने दिया? पंक ने दिया। किनसे मिलकर बना? विटल प्लस एमीन से। इसका मतलब क्या हुआ? जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले एमीन यौगिक। परिभाषा क्या हुई? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के अतिरिक्त वे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं की मरम्मत, विकास व वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। और इनकी कमी से शरीर में विशिष्ट रोग हो जाते हैं। क्लियर? अब बात आती है किसकी? वर्गीकरण। इसकी वर्गीकरण, विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया। भागों में, दो भागों में। नंबर एक है वसा विलेय विटामिन, राइट। और नंबर दो है जल विलेय विटामिन, जल विलेय विटामिन। किसके आधार पर? विलेयता के आधार पर दो भागों में, एक तो वे विटामिन जो वसा में विलेय होते हैं और दूसरे वो विटामिन जो जल में विलेय होते हैं। ध्यान से सुनिए, विटामिनों को किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में व्यक्त किया जाता है, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, H। अब तक कुल 12 प्रकार के विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं, अब तक कुल 12 प्रकार के विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं।
इनका आधार क्या है? विलेता, वसा, विलेय विटामिन और जल विलेय विटामिन। सिंपल फॉर्मूला, अपन बोलते हैं हेडेक है, तो यहां पे आप ध्यान रखना हेडेक कौन से विटामिन, हेडेक, क्योंकि मैंने भी कहा था अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में व्यक्त करते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसमें वसा में मिले होते से बोलते हैं अपन हेडेक। हेडेक हो गई हेडेक, इसको हेडेक याद रखना, ए डी ई के हेडेक। तो बच्चा कौन सा, बी कॉम्प्लेक्स और सी बी सी, तो कौन सा है, जल विले विटामिन, कौन सा है, जल विले विटामिन। उदाहरण तो आपको समझ में आए गए होंगे। अब बात कर लेते हैं वसा विलेय की, ऐसे विटामिन जो वसा में विलेय होते हैं, जल में अविलेय, ये क्या होंगे, जल में अविलेय होंगे, क्या होंगे, जल में अविलेय होंगे। ये जल में विलेय हैं तो क्या होंगे, वसा में अविलेय होंगे। बात क्लियर है, उदाहरण आपके सामने है एडेक, बी और सी, बी में कॉम्प्लेक्स है बी टू, बी थ्री, बी सिक्स और बी ट्वेल्व, बी टू, बी थ्री, बी सिक्स और बी ट्वेल्व, इसको आ जाता है बी कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, बी कॉम्प्लेक्स। अगर मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल ही दिया जाता है आपको, मुंह में छाले हो जाते हैं तो क्या देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का सूत्र सॉरी कैप्सूल आपको एज ए दवाई दी जाती है। क्लियर, तो वसा विलेय विटामिन जो जल में अविलेय होंगे, उदाहरण हो गए आपके ए डी ई के, जो लीवर कोशिकाओं में डी और ई विटामिन ज्यादा पाया जाता है। जल विलेय विटामिन बी और सी, बी में कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे हैं, जो वसा में क्या होंगे, अविलेय होंगे और इनका शरीर में संग्रह नहीं होता है, क्योंकि जल में विलेय हो जाते हैं, जिसको बाहर सिक्रेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर, अब बात आती है इसकी विटामिन की जैविक कार्य की, उनके स्रोत की, विटामिन कहां से मिलेंगे और उनके जैविक कार्य क्या होंगे। अब देखो मैंने यहां पर विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले विशिष्ट रोग के बारे में आपको बताया है, मैंने स्रोत के बारे में नहीं बताया है। तो अधिकतर आप ध्यान रखना हरी सब्जियां, दालें, मांस, अंडा, मछली, यकृत, लीवर, इनसे ये विटामिन अधिकतर पाए जाते हैं। क्लियर, खट्टे फलों से सी विटामिन सी खट्टे फलों से पाया जाता है, खट्टे फल जो होते हैं, बात क्लियर है। तो यहां पर मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले विशिष्ट रोगों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। क्लियर, देखिए विटामिन ए, इसका नाम है केरी कैरोटीनॉइड, क्या नाम है इसका, कैरोटीनॉइड, इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। रेटिना किसमें होता है, आंख में, और आंख संबंधित कौन सा रोग होता है, रतौंधी, कौन सा रोग हो जाता है बेटा, रतौंधी। अब विटामिन बी देखो, बी वन, बी टू, बी सिक्स, बी थ्री, बी ट्वेल्व, ये सारे क्या है, बी कॉम्प्लेक्स, चाहिए बी कॉम्प्लेक्स, कौन सा होगा ये, बी कॉम्प्लेक्स, और बी में बहुत सारे हैं, राइट। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या हुआ, थायमिन, बी फोर, बेरी बेरी, भूख न लगना, राइट। विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन, डर्मेटाइटिस, मुंह में छाले, होंठ का फटना, तो छाले हो जाते हैं डर्मेटाइटिस, त्वचा का अपने आप उखड़ना कह सकते हैं, उतरना कह सकते हैं, डर्मेटाइटिस बोलते हैं, मुंह में छाले, होंठ का फटना। विटामिन बी सिक्स, पिरोक्सीन या पाइरोक्सीन भी कह सकते हो आप, सूक्ष्म लोहित रक्त अल्पता, मतलब
कम खून की कमी ध्यान देना बड़ा इस पर, कम खून की कमी जिसको बोला जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन बी थ्री इसके दो नाम है, नाइसिन कह सकते हो या निकोटिनिक अम्ल, इससे होता है पलेगा थ्री डी, तीन रोग अच्छा बोलते हैं, दस्त हो जाता है, त्वचा सोन अपनी त्वचा में क्या हो जाता है डर्मेटाइटिस टाइप का, मनोभ्रंश मानसिक विकार आ जाता है जिसको कहते हैं पैलेग्रा थ्री डी, आ सकता है क्वेश्चन पैलेग्रा थ्री डी क्या होता है, कौन से विटामिन की कमी से होता है। यहां पर दो क्वेश्चन बनते बेटा, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, स्रोत भी पूछ लेता है, तो स्रोत क्या है सबसे कॉमन है, विटामिन बी ट्वेल्व बी बारह साइनोकोबाल एमीन, साइनोकोबाल एमीन इससे होती है स्थलाणुक रक्त अल्पता, स्थलाणुक रक्त अल्पता जो अपने बी सिक्स में कम हो रही थी वो यहां पर ज्यादा हो रही है, परमीसियस या मैक्रोसाइटिक एनीमिया या बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है। विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी का है एस्कार्बिक अम्ल इससे होता है एस्कर्वी, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम स्टेरॉल समूह के यौगिक होते हैं, हड्डियों दांतों में क्या जाती है विकृति। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी कुपोषण हो जाता है, जनन क्षमता में कमी कुपोषण हो जाता है। विटामिन के इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार चेक में क्यों पूछा गया है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब अगर आपको कोई चोट लग जाएगी तो आपका ब्लड रेगुलर बढ़ता रहेगा, जो अपने ब्लड में क्या होता है रुकने की क्षमता होती है, उंगली कट जाती है थोड़ी देर बाद ब्लड रुक जाता है, रक्त में क्या बन जाता है थक्का बन जाता है, क्लोटिंग हो जाती है, राइट। लास्ट विटामिन एच बायोटीन, इसकी कमी से होता है कौन सा, बालों का गिरना, बालों का झड़ना, बात क्लियर है। अब इनमें से विटामिन एच जो है वो ऐसा विटामिन है जो ना वसा में विलय है ना जल में विलय है, विटामिन एच ना तो वसा में विलय है ना ही जल में विलय है। पहले बता चुका स्रोत की बात करें तो स्रोत सब में कॉमन होते हैं, जैसे हरी सब्जियां, दाल, मांस, मछली, अंडा, एकृत लीवर, इन सबसे क्या मिलते हैं आपके खट्टे फल, ये सारे विटामिन मिलते हैं, तो आप उनको इजीली याद रख सकते हैं, क्लियर। हालांकि याद तो आपको ये भी रखना होगा पर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा तो याद हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका आज की क्लास में विटामिन टॉपिक क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।